दरअसल मैं 2021 के स्टार्टिंग में गया था और मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर किया, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं सब कुछ आपको दिखाऊँ कि क्या क्या मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किया, क्या क्या वहाँ का टूर प्लान और क्या बजट हो सकता है, कैसे आपको अगर वहाँ पे पहुँचना है जैसलमेर तो क्या क्या उसके ज़रिए हैं, और क्या आपके होटल्स वगैरह के वहाँ पे रेंज रहती है, मतलब कितने से कितने के होटल्स आपको मिल सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, एंड में जो है बजट का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कितना कितनी किस चीज़ में आपका खर्चा आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको जैसलमेर शहर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो जैसलमेर शहर जो है वो 1156 यानी कि 1156 AD में महारावल जैसल सिंह ने बसाया था, और ये जो शहर है पहले जो फोर्ट है यहाँ का जैसलमेर फोर्ट, इसी के अंदर ये पूरा शहर हुआ करता था। खैर अभी भी यहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं और इसको गोल्डन सिटी नाम से बोला जाता है। तो गोल्डन सिटी इसको क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरी आपको जो स्ट्रक्चर दिखेंगे, पूरी बिल्डिंग्स दिखेंगे सारी, वो येलो सैंडस्टोन की दिखेंगी। तो येलो सैंडस्टोन जो है पूरा गोल्डन कलर का दिखता है, तो इस वजह से इसको गोल्डन सिटी बोला जाता है। तो ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है ये, 5 से 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पूरा फैला हुआ है। तो फोर्ट कंपाउंड के आसपास भी काफ़ी कुछ यहाँ पे हैं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो हैं, घूमने की जगहें, बाकी खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे है और कुछ होटल्स वगैरह आसपास में। तो मतलब 5-6 किलोमीटर के अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसलमेर की जो है कनेक्टिविटी बाय रोड हो या बाय फ्लाइट या फिर बाय रेलवे से हो, बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी मेजर जो सिटीज़ है वहाँ से आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। बाकी हम लोग बाय रोड गए थे, तो बीकानेर से जैसलमेर का रोड जो है वो बहुत बढ़िया था। तो वो रोड मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाईवे नहीं, कोई एक्सप्रेस वे हो, और काफ़ी खाली खाली वो रोड था, इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी बीकानेर से जैसलमेर पहुँच गए थे। तो अगर आप भी बाय रोड उधर से आ रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर हम बात करें लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो वहाँ पे जो है ऑटो रिक्शा वगैरह काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है शहर, तो इस वजह से ऑटो रिक्शा से काफ़ी लोग कम्यूट करते हैं वहाँ पे। तो अगर आपको भी घूमना है वहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप ऑटो रिक्शा का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप कोई कैब भी बुक कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे नॉर्मली अगर आप फैमिली के साथ वहाँ पे आ रहे हो घूमने के लिए, तो ऑटो रिक्शा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो कैब वगैरह भी वहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी ओला उबर वगैरह जैसे फैसिलिटीज़ होती हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वो वहाँ पे नहीं मिल पाएंगी, तो आपको लोकल कैब्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ के जो फेमस जो प्लेसेस हैं, फेमस घूमने की जगहें हैं, उनके बाहर में आपको कैब ड्राइवर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि आपका यहाँ यहाँ घूमने का प्लान है, तो उसी हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं और उनसे रेट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। तो वैसे तो जैसलमेर बस स्टैंड से आपको बाहर के लिए भी बस मिल जाएगी, जैसे कि आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हैं, जैसे लौंगेवाला हो गया और तनोट माता का मंदिर वगैरह और सम ड्यून्स वगैरह, वहाँ के लिए भी बसेस मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत कम है, तो दिन में बहुत कम बसेस चलती हैं, तो उन्हीं बसेस में आप जा सकते हैं। तो अगर मिस हुई आपकी बस तो आपको नेक्स्ट बस का जो है वेट करना पड़ेगा और तभी आप जा पाएंगे फिर। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कैंप्स वगैरह आप करते हैं सम ड्यून्स या उसके आसपास के रीजन में कैंप्स हैं, तो अगर आपका मेन रोड पे अगर कैंप है तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस वगैरह वहाँ रुक जाएगी। लेकिन अगर अंदर में कुछ कैंप्स वगैरह अंदर में भी हैं वहाँ पे, जैसे कि 1-2 किलोमीटर अंदर हैं, तो वहाँ तक के लिए आपको कन्वीनियंस मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वहाँ तक आपको पैदल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैब्स वगैरह थोड़ा कन्वीनियंट हो जाती हैं, अगर आप खर्च कर सकते हैं थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्स्ट्रा, तो कैब्स वगैरह काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगी। बस काफ़ी चीप पड़ जाती है, बहुत सही है बिल्कुल, लेकिन इनकन्वीनियंस आपको थोड़ा हो जाएगा वहाँ पे। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो काफ़ी आपका इजी ट्रैवल हो जाएगा वहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो बहुत इजीली आप कम्यूट कर सकते हो। और बाकी काफ़ी जगह पे वहाँ पे आपको पार्किंग में लगा के जाना ही पड़ेगा घूमने के लिए, या तो पैदल या फिर जैसे फोर्ट के अंदर हम गए थे तो ऑटो रिक्शा वगैरह अंदर तक भी जाती है, तो काफ़ी बड़ा फोर्ट है, अंदर तक जाने के लिए भी आपको ऑटो रिक्शा वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। आप अपनी गाड़ी पूरा अंदर तक नहीं लेके जा सकते, तो वहाँ बाइक्स वगैरह तो अंदर चली जाती हैं, लेकिन गाड़ी जाने में थोड़ी वहाँ पर दिक्कत है, इसलिए बाहर ही उसको रोक दिया जाता है, बाहर पार्किंग बनी हुई है तो वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो अगर हम बात करें होटल्स वगैरह की, तो जैसलमेर में होटल्स आपको 300-400 रुपए यानी कि हॉस्टल्स वगैरह जो मिल जाते हैं 300-400 रुपए में, अगर आपको सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, आपको लो बजट में ट्रैवल करना है, तो 300-400 रुपए से स्टार्ट हो के वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह, और होटल्स आपको 1,000, 2,000, 5,000 इवन 20,000 तक के वहाँ पे होटल हैं। तो हम लोग फरवरी के महीने में गए थे, और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि ऑफ सीज़न होने लग जाता है वहाँ पे, जनवरी और दिसंबर का जो टाइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस रहते हैं सभी होटल्स वगैरह के,
और उस टाइम में जो हम लोग पहले दिन होटल में रुके थे उसका नाम था जयगढ़ बुटीक होटल, और 2500 रुपये का उसका प्राइस था, यानी कि एक रूम 2500 रुपये का था और उसमें ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड था। तो ये वो होटल है, अगर आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये होटल था। हम लोग को नॉर्मल हम लोग ने रूम बुक किया था और हम लोग को अपग्रेड करके जो है फैमिली स्वीट दे दिया था। इसमें काफ़ी स्पेस थी, काफ़ी बड़ा ये रूम था, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये होटल था और काफ़ी नया होटल था, एक साल में क्या से इस होटल को खुले हुआ था, तो इस वजह से भी शायद उन्होंने अपग्रेड करके दे दिया था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स अभी मेरे साथ थे तो उनकी वजह से, क्योंकि कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसकी वजह से उन्होंने अपग्रेड करके रूम दे दिया था। बाकी वहाँ मेरे से गलती क्या हुई, इस होटल में मैंने जो है पहले से जो है सेकंड डे का बुकिंग नहीं कराई थी, मुझे लगा मिल जाएगा इसमें आराम से, लेकिन हुआ क्या कि सेकंड डे में मेरे को इसमें नहीं मिल पाया था, तो फिर मैंने एक दूसरे होटल में कराया, वो थोड़ा सा महंगा है, 4-स्टार प्रॉपर्टी है, तो रंग महल नाम का होटल है, काफ़ी बड़ा वो होटल है और इवन ऐसा लगता है जैसे वो महल ही है सही में, आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये देखिए आप ये होटल है वो, और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। और ये हम लोगों को पड़ा था 4500 रुपये में पर रूम का, जिसमें कि ब्रेकफास्ट भी हमारा इंक्लूडेड था। और मैं बता देता हूँ कि ब्रेकफास्ट यहाँ का इतना लाजवाब था ना, अगर आप यहाँ पे आओगे और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो इस होटल में आप रुक सकते हो, और ब्रेकफास्ट तो खास तौर पे यहाँ पे ज़रूर आप मिस मत करना। तो तीसरे दिन हम लोग चले गए थे डेजर्ट एरिया में, और वहाँ पे हम लोग ने जो कैंप बुक किया था, हम लोग ने कैंपिंग की थी वहाँ पे, तो 2500 रुपये का पर कैंप हम लोग को मिल गया था। येलो स्टोन नाम से ये कैंप था, और इसमें हम लोग को जो है ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब भी उसमें मिल गई थी हम लोग को। मैंने बताया कि थोड़ा सा ऑफ होने लगा था सीज़न, क्योंकि हम लोग जब गए थे उसके कुछ ही दिन बाद वो बोल रहे थे कैंप्स वगैरह बंद कर दिए जाएंगे, तो इस वजह से भी थोड़ा सस्ता पड़ गया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप क्रिसमस में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आप जा रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके रेट मिल सकते हैं, डबल या ट्रिपल भी इसके रेट हो सकते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम सभी कैंप्स वगैरह के सब के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप जैसलमेर जा रहे हो और आप डेजर्ट में कैंपिंग नहीं कर रहे हो तो आप ज़रूर कुछ मिस कर रहे हो, तो कैंपिंग वगैरह और आगे भी कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊँगा, तो वो सब भी आप वहाँ पर अगर इन्जॉय नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप जैसलमेर में आए नहीं हो, डेजर्ट नहीं देखा आपने जैसलमेर में तो क्या देखा आपने। तो जैसलमेर के ट्रिप पे आप पहले दिन जा सकते हैं गड़ीसर लेक और जैसलमेर फोर्ट घूमने के लिए, और यहाँ जाने के लिए अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे ऑटो रिक्शा वगैरह भी इस तरह से काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे बोटिंग का मैं प्राइस आपको दिखा देता हूँ, तो जितनी बड़ी बोट होगी, जितने ज़्यादा उसमें लोग आएंगे उतना उसका चार्ज रहेगा। और यहाँ पे कई सारी जो है हिंदी मूवीज़ की भी शूटिंग हो चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है रेशमा और शेरा, सरफरोश और तुमसे अच्छा कौन है करके गाना आया था, बहुत फेमस हुआ था वो गाना भी यहीं पे शूट हुआ था। तो इस लेक में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और थोड़ा टाइम यहाँ पे बिता सकते हैं, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं जैसलमेर फोर्ट घूमने के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं जैसलमेर के किले में, और मैं बता देता हूं आपको कि एक लिविंग फोर्ट है, यानी कि यहां पे अभी भी 4 से 5 हज़ार लोग जो है इस किले के अंदर रहते हैं। तो ऐसा फोर्ट जो है मैंने भी पहली बार ही देखा था जिसके अंदर लोग रह रहे हैं अभी भी। ये आप देखिएगा, ये गलियां, ये फोर्ट का ही हिस्सा है, ये कोई बाकी फोर्ट्स की तरह नहीं है। ये देखिए, ये घर बने हुए हैं, यहां अभी भी जो है कच्ची मिट्टी के भी आपको घर दिख जाएंगे कई जगह दीवारें जो हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ये फोर्ट का पूरा कंपाउंड है ये। और यहाँ अंदर में जैन मंदिर भी आपको कई सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी इसमें कलाकारी हुई है, तो जैन मंदिर भी आप ज़रूर देख सकते हैं अगर आप इस फोर्ट में आ रहे हैं, तो इसको देखना मत भूलिएगा आप। तो अगर आपको फोर्ट से पूरा सिटी का व्यू चाहिए तो आप ऊपर में यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत सारे रूफ टॉप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और ये डेजर्ट बॉय नाम का एक रेस्टोरेंट है, यहाँ से व्यू जो है मुझे सबसे अच्छा लगा, तो ये हमारे गाइड थे, उन्होंने बताया कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस फोर्ट का, तो यहाँ से आप देखेंगे पूरे सिटी का आपको व्यू एक साथ मिलता है, और फोर्ट भी थोड़ा बहुत यहाँ से नज़र आता है, ये सामने का हिस्सा जो दिख रहा है आपको, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। तो फोर्ट कंपाउंड के अंदर ही मैंने आपको दिखाया था कि 14वीं शताब्दी के यहाँ पे जैन मंदिर भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी हवेलियाँ भी हैं। तो अब हम आ गए हैं बारी हवेली में, और ये बारी हवेली जो है ये 450 साल पुरानी हवेली है, और यहाँ पे देखेंगे आप अंदर में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और जो उस समय की चीज़ें हुआ करती थी वो सारी यहाँ पे रखी हुई हैं, तो काफ़ी खूबसूरत ये जो है हम लोग को लगी हवेली भी। और इसके अलावा यहाँ पे एक और हवेली है जिसका नाम है नथमल की हवेली, और ये जो हवेली है आप देखेंगे ये इसके वंशज जो हैं अभी भी यहीं पर रहते हैं, और ये काम देखिए आप, इतना खूबसूरत काम उस समय में हुआ करता था, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर ऐसी हवेलियाँ वगैरह। मैं काफ़ी सारे फोर्ट्स वगैरह, पैलेसेस वगैरह में जाता रहता हूँ, तो काफ़ी
अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाके, पुरानी जो बहुत सुंदर यहाँ पे काम हुआ रहता है। और ये हैं इनके वंशज जो ओनर थे यहाँ हवेली के, उनके वंशज अभी भी यहीं पे रहते हैं विद फैमिली। तो इनसे भी हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो आप भी चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं और इनसे भी मुलाकात कर सकते हैं वहाँ पे। तो फोर्ट कंपाउंड के अंदर में अगर आप एंटर करेंगे या फिर फोर्ट से आप एग्जिट करेंगे तो आपको दोनों ही पॉइंट्स पे जो है काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको लोकल कोई भी चीज़ें लेनी है यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह या राजस्थानी कोई भी यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें लेनी हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस फोर्ट के ऊपर यानी कि जैसलमेर फोर्ट के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में वो आ रहा होगा, आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो डे टू में आप जा सकते हैं पटुओं की हवेली यानी कि पटुआ हवेली, बड़ा बाग और जैसलमेर वॉर म्यूजियम घूमने के लिए। और हम आ गए हैं पटुओं की हवेली घूमने के लिए और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से इसमें काम किया हुआ है। जैसलमेर में जो जितनी भी जगह मैं घूमा उसमें से मुझे एक सबसे खूबसूरत जगह में से एक लगी है। और यहाँ पे जो इंडियंस का टिकट है 100 रुपये का है, यानी कि 100 रुपये पर पर्सन का यहाँ पर टिकट है। और ये देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पर काम किया हुआ है। फोटोग्राफी अगर आपको यहाँ पर करनी है तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर फोटोग्राफ्स आ सकते हैं। एक शीश महल यहाँ का है, एक गाइड हमारे थे ये बता रहे थे उसके बारे में। तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो इस जगह को तो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है। और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में वो आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए जगह जगह सामान रखा हुआ है उस ज़माने का और काफ़ी अच्छा ये म्यूज़ियम था, काफ़ी सुंदर सुंदर इसमें चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। तो पटुओं की हवेली को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं बड़ा बाग घूमने के लिए। और बड़ा बाग में बता देता हूँ उस समय की जो है छतरियाँ बनी हुई हैं, ये जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये छतरियाँ उस समय में जो है महरावल और उनकी जो पत्नियाँ हुआ करती थी उनका समाधि स्थल ये बना हुआ है। और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपको यहाँ जाना है तो आप जो है दोपहर में जा सकते हैं, उस समय भीड़ बहुत कम होती है। अगर शाम को आप जाएंगे तो सनसेट जो है वहाँ देखने बहुत लोग आते हैं, उसकी वजह से भीड़ बहुत हो जाती है। बाकी फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। बाकी इस जगह का भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में वो वीडियो आ रहा होगा और आप उस वीडियो को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो डे टू पे जो है आखिरी पॉइंट जो आप कवर कर सकते हैं वो है जैसलमेर वॉर म्यूजियम। और यहाँ पे जो है 1971 का जो वॉर हुआ था उसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएंगी, जैसे कि टैंक्स वगैरह हैं उस समय के, और अंदर में हॉल वगैरह बने हुए हैं अलग अलग, लॉन्गे वाला हॉल, इंडियन आर्मी हॉल, तो अलग अलग यहाँ पे चीज़ें उस समय की रखी गई हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपको शायद अच्छा लगेगा। तो डे थ्री पे आप घूम सकते हैं अबैंडन्ड कुलधरा विलेज, और आप जा सकते हैं खाबा फोर्ट, और पैरासेलिंग आप कर सकते हैं थार डेजर्ट में, और कैंपिंग भी की जा सकती है थार डेजर्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे दिन की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको डेजर्ट में डायरेक्ट आना है, अगर आपको सिटी नहीं देखनी है जैसलमेर की, तो पहले दो दिन वाले जो मैंने ट्रिप बताया आप उसको जो है छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट डे थ्री से जो है उसको अपना डे वन बना सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं इस ट्रिप की। तो ये है कुलधरा विलेज जो कि अबैंडन्ड विलेज है, और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में वो आ रहा होगा। और मैं बता देता हूँ आपको कि इस जगह अगर आप आ रहे हैं तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी यहाँ आने से पहले, तो ऐसा कुछ भी यहाँ डरावना नहीं है। और यहाँ पे कई सारी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, जैसे कि एजेंट विनोद, कालो, कच्चे धागे, और अभी फ़िलहाल में बच्चन पांडे नाम की मूवी भी यहाँ पे शूट हुई थी। तो अगर आप कुलधरा आते हैं तो यहीं पास में एक फोर्ट है खाबा फोर्ट नाम से, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी घूम सकते हैं। 13th century का ये फोर्ट है, काफ़ी कम लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा रुइन टाइप का फोर्ट है, उतने अच्छे से यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी घूम सकते हैं। तो खाबा फोर्ट घूमने के बाद आप निकल सकते हैं सीधा सम सैंड ड्यून्स की तरफ में, और उसी में रास्ते में आपको कैंपिंग लोकेशंस वगैरह भी मिल जाएंगी। आप चाहें तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और अब चाहें तो इसको वहाँ जाके ऑफलाइन भी करा सकते हैं। और सम ड्यून्स के रास्ते में ही आपको काफ़ी जगह पे जो है पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे लोग पैरासेलिंग कर रहे होंगे, तो ये पैरासेलिंग हमने भी वहाँ पे की थी और 800 रुपये इसका प्राइस पड़ा था। 800 रुपये में 2 से 3 मिनट जो है फ्लाइंग टाइम इसका होता है, मतलब 2 से 3 मिनट आप हवा में रहेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन ठीक है, मैंने देखा मोस्टली इतना ही होता है। अगर आप और भी जगह एक्टिविटीज़ वगैरह करते हो तो इससे ज़्यादा आपको लेकर नहीं जाते हैं। मैंने गोवा में ट्राई किया था ये पैरासीलिंग, वहाँ समुंदर के ऊपर होता है, वहाँ भी इतना ही 2 से 3 मिनट था। और ये पैरामोटरिंग मैंने सोनीपत में एक अम्यूज़मेंट पार्क है मोजोलैंड नाम का, वहाँ पर ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे फ्लाइंग टाइम ज़्यादा था और इसका प्राइस भी डबल था। तो फाइनली पूरा दिन घूमने के बाद आप जो है शाम को जो है इस बार होटल में स्टे नहीं करेंगे, इस बार आप डेजर्ट में कैंप में स्टे करेंगे। और कैंप जो है बहुत यहाँ के अच्छे लगते हैं, डेजर्ट के बीच में बने हुए, ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत ये लगते हैं। और शाम को यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोगों को 2500 रुपये में मिल गया था, फरवरी में हम लोग गए थे,
और 2500 रुपये में हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर और कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। और यही सब कैंप्स जो आपको अगर दिसंबर या जनवरी में लेने होंगे तो आपको डबल या ट्रिपल प्राइस इनका देना होगा। तो इस तरह से आपका स्वागत होता है जब आप अंदर आते हैं। और यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की होती हैं अलग अलग कैंप्स में, और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होगा। तो अगर आपको ये कुछ एरिया कवर करने हैं आसपास की, यानी कि काबा फोर्ट, कुलधरा और सम ड्यून्स वगैरह, और वहाँ आसपास में जो पैरासेलिंग होती है वो करनी है आपको, तो उसका ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ता। अगर आप कैब से भी जाओगे तो लगभग 1500 रुपये में आपका आना जाना वहाँ से हो जाएगा सेडान कार में। तो अगर आप बस से ये सारे पॉइंट्स कवर करना चाहते हो तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट आपको हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पॉइंट्स थोड़े से इधर उधर है, यानी कि एक ट्रैक में नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल आपको वहाँ पर हो जाएगी। टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा आपको, काफ़ी लेट हो सकता है फिर पूरा पॉइंट्स कवर करने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कैब इसके लिए काफ़ी रिकमेंड करता हूँ मैं। और एक ऑप्शन ये भी आपके पास, अगर आप खाबा फोर्ट, कुलधरा और सम ड्यून्स वगैरह और आगे तनोट माता का मंदिर और लोंगेवाला ये सब कवर करना चाहते हो तो लगभग कैब जो आपका 5000 रुपये, 5500 रुपये यहाँ तक लगना चाहिए। कम में भी हो सकता है इससे और ज़्यादा भी लग सकते हैं, सब सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हो। तो ये एवरेज प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग इतना आपका लग जाना चाहिए। डे 4 पर आप जा सकते हैं जीप और कैमल सफारी करने के लिए सम ड्यून्स में, आप जा सकते हैं लोंगेवाला और आप जा सकते हैं तनोट माता के मंदिर, जहाँ की भी एक अलग ही कहानी है। तो दिन की शुरुआत आप करिए जीप सफारी से, और आप जीप सफारी और कैमल सफारी दोनों 1200 रुपये में इंजॉय कर सकते हैं। पूरी जीप आपके लिए बुक्ड हो जाती है, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है डेजर्ट सफारी और कैंपिंग का, वो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और डेजर्ट सफारी का मज़ा लेने के बाद आप जा सकते हैं लोंगेवाला। जी हाँ दोस्तों, ये लोंगेवाला वही जगह है जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का 1971 का वॉर हुआ था, और उस टाइम पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश बनाया गया था, कंट्री ये थी नहीं उससे पहले, और यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से इंडिया ने हराया था। ये वही जगह है और यहाँ पर बहुत सारे पुराने टैंक्स वगैरह पाकिस्तान के आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, और बंकर्स वगैरह उस टाइम के। तो उस टाइम वॉर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी ये जगह। और जब आप लोंगेवाला घूमने आएँ तो यहाँ तनोट माता के मंदिर में भी ज़रूर आएँ, क्योंकि इस जगह के लिए एक चमत्कारी जगह बताया जाता है इसको। और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि 1971 का जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने 3000 गोले भी दागने की कोशिश किए, लेकिन एक भी उसमें से डिफ्यूज़ नहीं हुआ, एक भी फटा नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर रोज़ सुबह और शाम को 6 बजे BSF के जवान आरती करते हैं, जो सबको एक बार तो आकर ज़रूर देखना चाहिए। तो जो लोग तनोट माता मंदिर बस से जाना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 250 रुपये में आपका आना जाना हो जाएगा जैसलमेर से। ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता ये प्राइस है। और अगर आप लेट भी हो जाते हैं वहाँ पर, यानी कि शाम को वहाँ आरती होती है जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जो कि BSF के जवान करते हैं, अगर वो आरती आपको अटेंड करनी है तो मैं बता देता हूँ कि उस आरती के बाद, यानी कि 8-8:30 बजे तक वो आरती ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर आपको बस नहीं भी मिलती है या फिर किसी कारण से आप बस को बोर्ड नहीं कर पाते हो तो अर्ली मॉर्निंग फिर बस जाती है। और रात को जो है आप आर्मी की वहाँ पर शेल्टर बने हुए हैं, उसमें आप फ्री में स्टे कर सकते हो। ऐसा उस टाइम तक तो था जब मैं गया था, और उस शेल्टर में आप स्टे कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। और उसके अलावा वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर जो है आर्मी कैंटीन है, वहाँ पर भी डिनर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपका काफ़ी सेविंग हो सकता है अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपको बजट में ट्रैवल करना है वहाँ पे। और जो लोग कैब से वहाँ जाना चाहते हैं तनोट माता मंदिर, तो 4-4500 रुपये आप मान के चलिए, तो इतना लगभग वहाँ पे आपका खर्च हो जाएगा अगर आप कैब से जा रहे हैं तो। वैसे तो जैसलमेर का ट्रिप 4 दिन का काफ़ी होता है, लेकिन अगर आपको 5वें दिन भी कुछ देखना है यहाँ पर, तो चलते चलते आप यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क में घूम सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जिसमें कि कुछ कॉमन बर्ड्स हैं, शॉर्ट टोड ईगल्स, टॉनी ईगल्स, स्पॉटेड ईगल्स, लागर फाल्कन्स और कैस्टल्स वगैरह। यहाँ पर आपको तरह तरह की ईगल्स वगैरह नज़र आ जाएंगी, जो कि डेजर्ट के ही माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए टाइम बिता सकते हैं। तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि इस नेशनल पार्क का जो है 20% एरिया में सैंड ड्यून्स है, जैसे कि आपने सम सैंड ड्यून्स में देखा होगा जहाँ पे हमने डेजर्ट सफारी करी थी, तो वैसे ही यहाँ पे सैंड ड्यून्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें खाने की, तो वहाँ पे जो है खाना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है जैसलमेर में, तो लगभग ये मान लीजिए आपकी 200 से 400-500 रुपये तक के बीच में आपका मेन मील्स जो होती हैं लंच और डिनर, ये 200 से 500 रुपए के बीच में हो जाना चाहिए। 2 एडल्ट्स का ये बता रहा हूँ, एक आदमी का नहीं। और ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या फिर कैसी डिश आप ऑर्डर करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बीच में आपका हो जाना चाहिए एक टाइम का मील।
और ब्रेकफास्ट का भी मैं बता देता हूँ आपको कि 100 रुपये के अंदर भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं वहाँ पे, इतने में भी आपका आराम से हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कुछ फेमस डिशेज हैं वो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे, और मैंने भी उनमें से कुछ डिशेज जो हैं वहाँ पे ट्राई करी थी और कुछ के बारे में मैंने पूछा था कि क्या ट्राई किया जा सकता है यहाँ पे, तो चलिए उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वैसे तो राजस्थान के सभी शहरों में आपको दाल बाटी चूरमा खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जैसलमेर अगर आप आते हैं तो यहाँ का भी आप ज़रूर चेक करिएगा खा के। और ये है गट्टे की सब्ज़ी जो यहाँ काफ़ी फेमस है, तो लोकल्स लोग इसको काफ़ी खाते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ पर। और अगर आपको लस्सी का शौक़ है तो आप यहाँ पर ये मक्खनी लस्सी ज़रूर पी सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये। और ये है प्याज की कचौड़ी, तो अगर आपको कचौड़ियों का शौक़ है तो यहाँ पर ये प्याज की कचौड़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये राजस्थानी लाल मांस को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये एक मटन की डिश है और बहुत स्वादिष्ट होती है। तो अगर हम बात करें जैसलमेर में शॉपिंग की, तो मैं बता देता हूँ कि एंट्रेंस पे ही जो है जैसलमेर फोर्ट के, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी हैंडीक्राफ्ट्स की, और ट्रेडिशनल जो वहाँ के क्लोथ्स वगैरह होते हैं, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से काफ़ी कुछ ले सकते हैं। और बाकी फोर्ट के अंदर में भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, लोगों के घर हैं, घरों के बाहर लोगों ने अपनी शॉप्स लगाई हुई हैं और चीज़ें बेच रहे हैं तरह तरह की, तो वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। बाकी गड़ीसर लेक के पास में भी मार्केट है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, वो थोड़ा सा महंगा है कंपैरेटिवली यहाँ से, यानी कि फोर्ट में थोड़ा सस्ता आपको मिल जाएगा, गड़ीसर लेक के पास जो मार्केट है उसमें थोड़ा महंगा मिलेगा। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा जल्दी में है और जिनको आसपास के मार्केट वगैरह एक्सप्लोर नहीं करने, लेकिन जहाँ घूमने गए हैं वहीं से आपको शॉपिंग करके निकल जाना है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको अगर पर्टिकुलरली वहाँ मार्केट में ही घूमना है और कुछ वहाँ का स्पेशल जो चीज़ें होती हैं वो लेनी है, तो उन मार्केट्स के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, वहाँ पे क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको वुडन कार्विंग का कुछ प्रोडक्ट लेना है तो आप भाटिया बाज़ार में जा सकते हो, और अगर आपको कैमल लेदर का कुछ भी आइटम चाहिए या फिर बंधेज का आपको कोई आइटम चाहिए तो आप सदर बाज़ार में जा सकते हो। और बाकी सुनारों का बस में आपको ज्वेलरी वगैरह मिल जाएगी, तो ज्वेलरी लेनी है तो यहाँ आ सकते हो आप। बाकी मानक चौक और पंसारी बाज़ार में आपको हैंडीक्राफ्ट्स और अदर सोविनर्स वगैरह मिल जाएंगे, और स्कार्फ या फिर दुपट्टा वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी है आपको तो आप सीमा ग्राम में जा सकते हो। तो यार ऐसा है कि टूर पैकेज वाला सिस्टम मुझे कभी समझ में नहीं आता है, टूर पैकेज मैंने कभी किया भी नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप बाउंडेड हो जाते हो, क्योंकि इन लोगों का कैसे होता है कि आपको घुमाएंगे ये और जहाँ भी आपको लेके जाएंगे वहाँ कहेंगे कि आप आधे घंटे वहाँ जा सकते हो, एक घंटे जा सकते हो, उसके बाद आपको आ जाना है वापस, तो एक टाइम बाउंडेड ये लोग कर देते हैं आपको कि उस बीच में आपको घूम के वापस जल्दी पहुँचना है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये अगर टाइम पे आप नहीं आते हो तो ये आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि और भी लोग होते हैं उस गाड़ी में जिसमें आप घूम रहे होते हो। तो अगर आपको टाइम बाउंडेशन से कोई दिक्कत नहीं है और अगर आपको इसी तरह से ग्रुप में आप घूमना पसंद करते हो और आप जल्दी जल्दी पॉइंट्स कवर कर सकते हो और आपको एक्सप्लोर नहीं करना अच्छे से, जल्दी जल्दी में घूमना है, तो आप ज़रूर टूर पैकेज कर सकते हो। लेकिन मुझे क्या है कि मैं जब जाता हूँ घूमने तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ, तो इसलिए जो है मैं इसको प्रेफर नहीं करता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका शायद कुछ और भी हो सकता है। और इसी वजह से मैं अपनी ट्रिप को खुद प्लान करता हूँ, खुद मैं पूरा रिसर्च करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, ग्रुप्स वगैरह हैं फेसबुक पे काफ़ी सारे, वहाँ पे डिस्कस करता हूँ और जो बेस्ट मेरे को लगता है वो आइटनरी मैं बनाता हूँ, और उसके बाद ही मैं जो है अपने हिसाब से अपनी गाड़ी से या फिर फ्लाइट से जैसे मैं जाऊँ, लेकिन मैं अपने आप से ही जो है पूरा प्लान करके जाता हूँ। तो जैसलमेर जाने का बेस्ट टाइम जो है दिसंबर और जनवरी है, तो दिसंबर और जनवरी में जो है नॉर्मली वहाँ पे काफ़ी ठंडा हो जाता है, काफ़ी प्लेजेंट माहौल हो जाता है, और इवन न्यू ईयर के आसपास काफ़ी ज़्यादा चिल्ड माहौल हो जाता है, और आप डेजर्ट एरिया में जाओगे तो आपको बहुत ठंड लगेगी वहाँ पे। और मेनली मैं बता देता हूँ आपको कि न्यू ईयर के आसपास जो है यानी कि जनवरी की स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ठंड लगेगी, और इवन कंबलों वगैरह की वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, तो जैसे हम लोग दिल्ली वगैरह में और आसपास के रीजन में जैसे ठंडी होती है तो वैसे ही आपको वहाँ पे महसूस होगा। और बाकी सीज़न तो यहाँ का बोला जाता है कि नवंबर से फरवरी मार्च तक है, वैसे मैं मानता नहीं हूँ इसको, नवंबर में तो फिर भी आप जा सकते हो, और फरवरी में बता देता हूँ, फरवरी के मैं मिड में गया था और काफ़ी गर्मी होनी शुरू हो गई थी। और एक और चीज़ है, फरवरी के मिड के बाद से ही जो है वहाँ पे कैंप्स वगैरह धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, आप मेरे वीडियोस वगैरह देखेंगे पुराने तो मेरे को पसीने इतने बह रहे थे, फरवरी के मिड की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर से जनवरी या फिर फेब के आप फर्स्ट वीक तक भी आप जा सकते हैं, वो टाइम तक भी बिल्कुल ठीक है, जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जनवरी और दिसंबर ये दोनों बेस्ट मंथ्स ही हैं। तो जैसलमेर में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ज़रूर काम आएंगे। तो अगर आप सम ड्यूज़ में कैंपिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सीज़न में जा रहे हैं यानी कि
दिसंबर या जनवरी में आप जा रहे हैं तो आप पहले से अपना कैंप बुक करा सकते हैं, क्योंकि मैं बता देता हूँ अगर आप ऑन लोकेशन पे जाके कैंप बुक करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा मिले वहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले से उसको बुक करा लेंगे तो आपको थोड़ा सही प्राइस मिल जाएगा। और एक चीज़ ये बता देता हूँ, जब आप कैंपिंग करने जाते हो वहाँ पे सम ड्यून्स में, तो वहाँ वाटर बॉटल जो है ना बहुत महंगे प्राइस में बेचते हैं वो लोग, तो कई बार 50 रुपये 60 रुपये तक के भी प्राइस में एक वाटर बॉटल आपको मिलेगी वहाँ पे। तो इससे अच्छा आप जैसलमेर से ही आप कई सारी वाटर बॉटल ले लो या फिर पूरा क्रेट ले लो, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप लेके वहाँ पे जा सकते हो। हम लोग ने भी ऐसे ही किया था, हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे तो एक पूरा क्रेट हम लोग ने उठा लिया था, 12 बॉटल उसमें रहती है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको वहाँ का सनसेट देखना है जैसलमेर का, तो बड़ा बाग बहुत अच्छा लोकेशन है, वहाँ से जो है सनसेट व्यू बहुत अच्छा आता है। तो मोस्टली लोग वहाँ शाम को ही जाते हैं, हम लोग वहाँ दोपहर में गए थे इसलिए क्योंकि हमें आगे भी जाना था। लेकिन अगर आपको सनसेट इन्जॉय करना है, अगर आप कुछ दिन वहीं पर स्टे कर रहे हो जैसलमेर में, तो आप बड़ा बाग ज़रूर जा सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप जैसलमेर जा रहे हो तो पूरे ट्रिप के लिए कोई गाइड मत बुक करो। हम लोगों ने ऐसे किया था लेकिन मुझे बाद में लगा कि हमने गलत किया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके साथ वो घूमते हैं तो आपको लगेगा कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो मिसगाइड भी करते हैं आपको। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे जो गाइड थे वो हमको पैरासेलिंग कराने के लिए ले गए थे, और उसका प्राइस उन्होंने बताया कि 1200-1300 रुपये में होता है, लेकिन मैंने जो है आपका कम करा दिया और 800 रुपये में पैरासेलिंग आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे गलत लगी, क्योंकि जब हम लोग लौट रहे थे वहाँ से सम ड्यून्स वगैरह से, तो रास्ते में फिर हमने पूछा, ऐसे ही नॉर्मली मैंने देखा कि पूछ के देखता हूँ एक बार कि क्या रेट वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ हमने बात की तो पता लगा 800 रुपये ही रेट है उसका, और 1200-1300-1400 रुपये कोई ऐसा रेट नहीं है। तो 800 रुपये में आपकी पैरासीलिंग वहाँ पर हो जाएगी। एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक जगह हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, वो गाइड ही हम लोग को लेके गए थे उस दुकान पे, और दुकान वाले ने बताया हम लोगों को कि आप गाइड वगैरह के साथ मत आया करो यहाँ पे, क्योंकि उसकी वजह से हमको गाइड को भी जो है कमीशन देना पड़ता है, और हम लोग को जो है उस पर्टिकुलर आइटम का जो है प्राइस बढ़ा के आपको बताना पड़ता है। तो वो काफ़ी ब्लंट थे, उन्होंने साफ साफ हमको बता दिया कि मतलब ऐसा आप मत करो कि गाइड वगैरह को लेके मत आओ। तो ये बिल्कुल बात सही भी लगी मुझे, नॉर्मली लोग ऐसा बताते नहीं हैं, ये सब चीज़ें छुपा जाते हैं दुकान वाले। बाकी अगर आपको गाइड करना ही है तो आप जो है उन पर्टिकुलर लोकेशन पे, जहाँ भी आपको मान लीजिए जैसलमेर फोर्ट घूमना है या बड़ा बाग या जहाँ भी घूमना है, वहाँ पर्टिकुलर उस जगह के लिए आप गाइड कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल ट्रिप के लिए मत करिए, क्योंकि आपके साथ रहते रहते वो आपको गाइड करने के बजाय कहीं पर मिसगाइड भी कर देंगे। तो फाइनली आप जान लेते हैं कि अगर आपको जैसलमेर आना है तो यहाँ आने का बजट आपका कितना होना चाहिए। सारी चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, एक एक चीज़ जो है अलग अलग बताऊंगा कि किस चीज़ का कितना प्राइस मुझे पड़ा, और अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आपको कितना प्राइस उसका पड़ सकता है। तो डे वन में जो होटल हम लोग ने बुक किया था वो था जैगर बुटीक होटल, और उसका 2500 रुपये पड़ा था रूम का हम लोगों को, और जिसमें कि हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, और 400 रुपये गड़ीसर लेक में बोटिंग का हम लोग को लगा था, और 400 रुपये ही हम लोग ने डिनर किया था बाहर में, तो उसका लगा था हम लोग प्राइस। तो पहले दिन हम लोग शाम को पहुँचे थे, ज़्यादा कुछ किया नहीं था, और डे टू में जो हम लोग का जयगढ़ होटल के ब्रेकफास्ट था वो करके हम लोग निकल गए थे, और रंग महल होटल में हमने बुकिंग करा रखी थी जैसे कि बताया मैंने आपको, और 4500 रुपये रंग महल में होटल का रूम था, और फिर हवेली के टिकट्स थे 300 के, फिर बड़ा बाग के टिकट्स इसी तरह 100 रुपये के, और लंच किया 500 रुपये का हम लोगों ने, और डिनर किया 390 का। तो ये दिन में हम लोग घूमे फिरे थे जो भी था, बाकी ये खर्चे हमारे डे टू में हुए थे। तो डे थ्री में जो है हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था रंग महल होटल में, क्योंकि हमारा बूफे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था उसमें, और 350 रुपये का हम लोग ने लंच किया था दोपहर में, और बाकी 12 मिनरल वाटर की बॉटल्स ली थी हमने 240 रुपये की जो कि पड़ी थी हमें, क्योंकि कैंप वगैरह में मैंने पहले बताया आपको कि काफ़ी महंगी जो है वाटर बॉटल्स बेची जाती हैं। और बाकी उसके बाद कुलधरा में गए थे, वहाँ पे 90 रुपये के टिकट्स वगैरह लगे थे हमारे, और पैरासेलिंग हमने की थी दो लोगों ने, यानी मैंने और मेरी वाइफ ने, तो 1600 रुपये उसके लगे थे, 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और बाकी 2500 रुपये का हम लोग ने येलो स्टोन नाम से कैंप किया था, जिसमें कि हमारा ब्रेकफास्ट और स्नैक्स वगैरह और डिनर सब इंक्लूडेड था, तो रात को डिनर हम लोग ने वहीं पे किया था। तो डे फोर में हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया कैंप में ही, जो कि हमारा इंक्लूडेड था, और हम लोग ने 1200 रुपये में जीप और कैमल सफारी वहाँ पे की, और पूरी जीप हम लोग के लिए बुक्ड थी। ऑल्दो हम लोग जो है तनोट माता और लोंगेवाला वगैरह नहीं गए थे, फिर भी मैं पेट्रोल का एक्सपेंस उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको वो भी घूमना है तो ओवरऑल आपका 2000 रुपये के आसपास का पेट्रोल लग जाएगा। तो 2000 रुपये में आप पूरा जैसलमेर और उसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर सकते हैं अगर आपकी अपनी गाड़ी से आप जा रहे हैं तो। और यहाँ मैं बता देता हूँ कि 15,070 रुपये हम लोग को 4 दिन का पड़ा था, जो कि 4 दिन की आइटनरी मैंने आपको दिखाई, उसका टोटल कॉस्ट हम लोग 15,070 पड़ा था, 2000 रुपये पेट्रोल का हो गया, तो टोटल मिला के 17,070 रुपये पड़ा
टू एडल्ट्स का। तो हम लोग का टोटल जो एक्सपेंस पड़ा था पर पर्सन के हिसाब से वो था 8,535 रुपये। तो ये तब है जब आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप कैब बुक करा दें तो आपके मन के चलेगी 1,500 से 5,000 के बीच में आपका कैब का लग सकता है। तो डिपेंड करता है वो कितनी प्लेसेस पे आप घूमना चाहते हैं। तो हम यहाँ मैक्स टू मैक्स लेके चलते हैं कि 5,000 आपका कैब का अगर लग भी रहा है तो आपको 15,070 रुपये प्लस 5,000 रुपये यानी कि 20,070 रुपये दो एडल्ट्स का लगेगा ये। तो इस केस में पर पर्सन एक्सपेंस आपका हुआ 10,035 रुपये अगर आप कैब हायर करके घूमते हैं तो। खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैसलमेर जाने का हमारा कितना बजट लगा और आपका कितना लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ और फैक्टर्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बजट डिपेंड करता है। तो वो भी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर आप ये ना कहें बाद में कि आपने तो कुछ और बताया था और हमारा कुछ ज़्यादा ही लग गया या हमारा कम में भी हो गया हमारा। तो ये चीज़ एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पहला पॉइंट जो आप देख रहे होंगे वो है होटल या कैंप वगैरह जो आप बुक कराते हैं। तो जैसे हमने 2,500 और 4,500 और फिर 2,500 का हमने जो बुक कराया था होटल और कैंप वगैरह, तो ये हम लोग का प्राइस रेंज था। तो हो सकता है कि आप इससे कम वाला होटल बुक कराना चाह रहे हो या फिर कैंप वगैरह जो भी है या फिर आप हॉस्टल में रहना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर भी वेरी करेगा बजट आपका। तो मैं बता देता हूँ कि आपका मील्स वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप होटल वगैरह में रह रहे हो वहाँ पे आप मील्स कर रहे हो तो कई बार वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और आप बाहर जाके नॉर्मल कोई रेस्टोरेंट वगैरह में खा लेते हो तो उसमें काफ़ी सस्ता आपको पड़ जाता है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी वेरी करता है आपका बजट वगैरह, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है लोगों की, कोई कहीं खाना चाहता है कोई कहीं पर, तो इस वजह से इससे भी वेरी करता है। बाकी कैब वगैरह बुक करते हो वहाँ जैसलमेर जाके तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप हैचबैक कर रहे हो, सेडान कर रहे हो, वहाँ पे एसयूवी कर रहे हो, और कितने डिस्टेंस के लिए आप घूम रहे हो, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो, उसके ऊपर भी आपका बजट वेरी करेगा। और सीज़न एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सीज़न में अगर आप जा रहे हो यानी कि जनवरी और दिसंबर इस पीरियड में अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव आपको सब चीज़ें पड़ सकती हैं, जो नॉर्मली दिखती हैं आपको उससे थोड़ी एक्सपेंसिव वहाँ पे पड़ेंगी। बाकी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे क्या क्या करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका बजट, यानी कि वहाँ पैरासेलिंग वगैरह होती है और मैंने बताया कि कैमल और जीप सफारी वगैरह होती है और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप वो करते हो या नहीं करते हो उसके ऊपर भी आपका बजट कम या ज़्यादा हो सकता है। और एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बता देता हूँ कि ट्रेन फ्लाइट या बस का फेयर इस पूरे बजट में हमारा कहीं इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि कौन कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। तो वो मैंने कहीं भी इंक्लूडेड नहीं किया है, क्योंकि कौन देश के किस कोने से आ रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। आप कन्याकुमारी से भी आ सकते हो या फिर आप बगल में ही कहीं जोधपुर या उदयपुर वगैरह से आ रहे हो, तो उसके ऊपर बजट डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो ऐसे आप बजट देख सकते हैं कितना आपका बैठेगा, और मैंने जैसे 2 persons का दिखाया, 2 adults का दिखाया, वैसे ही आप उसको डिवाइड करके पर पर्सन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश करी है, क्योंकि जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया जैसलमेर को, सारी की सारी जानकारी मैंने इस एक वीडियो में आपको दे दी है। और अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप अपने फ्रेंड्स फैमिली और कलीग्स वगैरह के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक आप करोगे तो मेरे को जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा और भी मैं इस तरह के वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको कोई और जगह का भी इसी तरह का वीडियो देखना है, जिस जगह का आपको टूर प्लान और पूरा बजट जानना है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।